हमजा तो बहुत सालों से एनी के प्यार में गिरफ्तार है। इवन एनी की जब शादी हुई थी उसने कितना ट्राई नहीं किया कि बस किसी तरह एनी की शादी रुकवा दूं मैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को मैं ढूंढ रही हूँ वो एनी निकलेगी। क्या एनी ये सब जानती है? वो भी पसंद करती है हमजा को? Frankly, I don't know. लगता तो वैसे ही है। I mean, तुम पिक्चर देखो ये वाली। इनकी क्लोजनेस और इनकी इंटीमेसी कितनी ऑब्वियस है इस पिक्चर में। तुम ठीक कह रही हो, हमजा तो बिल्कुल सीधा साधा लड़का है। वो तो लड़कियों की तरफ देखता तक नहीं है, मुझसे 100 मील का फासला रखे रखता था। कभी इतना फ्रैंक हुआ ही नहीं। एनी नहीं फंसाया होगा उसे अपने चक्कर में। वैसे एवन, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम्हारी कजन है बहुत तेज। I mean, अपनी शादी के बाद भी स्कूल में लड़कों से ऐसी दोस्ती रखना, उनसे अफेयर चलाना, मुझे तो लगता है अपने हस्बैंड को भी बेवकूफ़ी बना रही है। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गई हूँ, आप लोग कोई ज़रूरी बात कर रहे थे। नहीं, तुम ज़्यादा बातें मत बनाओ, चाय बना कर लो। अम्मा जी, सुबह से आप तीसरा कप चाय का पी चुकी हैं, इतनी चाय। अब तो मेरा खाना पीना भी गिन होगी। हाँ, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपका खाना पीना नहीं गिन रही। आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, आपको इसलिए कह रही हूँ। तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब काम चोरी के बहाने हैं। अम्मा जी, अगर काम चोरी कर रही होती ना तो सुबह से आपको बैठा के खिला नहीं रही होती। आपके सामने सुबह से लगी पड़ी हूँ मैं किचन में। देख रही हो मेरी बेटी घर आई बैठी है कितनी परेशान है, और इसकी सारी परेशानी की वजह ना तुम हो, और सब बातें बना रही है। जाओ, जाकर चाय लाओ और कुछ खाने के लिए भी लाओ। बस आंखें बैठ गई, पता नहीं कब जाएगी यहाँ से। ड्यूटी लगाई हुई बेटी किचन में, सारी मैं करूँ सारे काम। मैं बना दूँ चाय? माँ रहने दो, लाएगी खुद ही। एमन, आर यू ओके? क्या सोच रही हो तुम? हीरा, सारी जिंदगी एनी को पूरे खानदान ने सर चढ़ा के रखा, उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे कि एनी जैसी अकलमंद और नेक लड़की पूरे खानदान में हो ही नहीं सकती। अच्छा, इतनी मासूम बनती है तुम्हारी कजिन? हाँ, और एनी की वजह से दादी और सब लोग मुझे पूरी जिंदगी ताने ही देते रहे कि एनी जैसी बनो, एनी से कुछ सीखो। इसलिए हर टाइम मुझे एनी पे गुस्सा रहता था, और अब मेरा गुस्सा नफरत में बदल गया है। तो क्या करोगी अब तुम? कैसे हैंडल करोगी सिचुएशन को? अब मैं सबके सामने के चेहरे से शराफत का नकाब हटा दूंगी। ये सब लोग जो उसे नेक समझते हैं ना, इनके सामने आने की हकीकत लेके आऊंगी। एमन, रिलैक्स, थिंक रैशनली, और प्लीज कोई ऐसा स्टेप मत उठाना कि बाद में पछताओ। एनी, हेलो, हेलो अम्मा, एनी, गुड्डा ठीक तो हो? एनी, क्या हुआ है? बाबा बताओ तो। एनी, मेरा दिल घबरा रहा है बच्चे, तुम्हें तो कुछ किसी कुछ कह तो नहीं दिया है?
ना अम्मा, बिल्कुल ठीक हूँ, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आपके कमरे की सफाई कर रही थी तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा आपके बगैर। बहुत याद आ रही है आपकी और फाइजा की भी। मैथ का होमवर्क उसने किया? नहीं किया होगा ना, मैं करती हूँ उसका मैथ का होमवर्क। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है गुड़िया। लेकिन वो तुम्हारा बाप और राहिला, मुझे पता है कि राहिला आंटी आपका यहाँ रहना बहुत मुश्किल कर रही है, लेकिन अब मैं, ये आपका घर है ना, मैं और फाइजा हमेशा आपके साथ रहेंगे, ये बात आपको पता है ना अम्मा। तुम आ जाओ, बैठ जाओ ना, हम खाना निकाल लेंगे, आ जाओ। दादी पानी चाहिए? पता नहीं मेरा आप सबके साथ बैठना मुनासिब है कि नहीं। मैं फिर आओ ना, चुप चुप बैठ। आओ राहिला बैठो, खाना खाओ। हबीब तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें पता है कि इस दस्तखान पर सिर्फ हम लोग खाना खाते हैं। अम्मा राहिला अब इस घर का हिस्सा है, इसको अब आप दस्तरखान का हिस्सा भी बना ही लें। हबीब मियाँ, दिल में जगह बनाई जाती है पहले फिर दस्तखान पर। अम्मा इतने दिन हो गए राहिला को इस घर में आए हुए, अब आप लोग भी उसके लिए दिल में जगह बना लेना, ये कब तक चलता रहेगा? ये बात तो तुम्हें अपनी बीवी को समझानी चाहिए ना, उसको हमारे दिलों में जगह बनानी है, हमें नहीं। जब उसको इस बात की परवाह नहीं है तो हमें क्या? नहीं नहीं अम्मा, कोशिश कर रही है राहिला, कोशिश कर रही है दिल में जगह बनाने की, आप लोग भी तो थोड़ी सी कोशिश करें ना। वो कब तक चोरों की तरह कमरे में बैठ के खाना खाती रहेगी? अगर चोर दरवाजे से आई है तो चोरों की तरह महसूस करेगी ना। वैसे अम्मा कल वो मासी को भी निकाल दिया है ना? हाँ अभी तुम्हारी बीवी तो हमें किसी खातिर में नहीं लाती, किसी गिनती शुमार में नहीं है उसकी नज़र में हम लोग। किससे पूछ के निकाला? मेरी इजाज़त के बगैर उसने कैसे मासी को घर से निकाला? अम्मा मासी को बिल्कुल सही निकाला इस घर से, वो चुगलियाँ करती फिर रही थी, गलत फहमियाँ पैदा कर रही थी, और वह हम सब में लड़ाइयाँ करवाने की कोशिश कर रही थी, और वो घर के कागजात हाथ में लिए घूम रही थी। पता नहीं किसने रिश्वत दी थी उसे। सारी गलतफहमियाँ तुम्हें ही हैं हबीब, तुम अपनी गलतफहमियाँ दूर करो। और हाँ, मैंने तुमसे जो काम कहा था वो तुमने किया। आयशा कब तक अपने महके में बैठी रहेगी? हमारे घर की बहू है, इतनी देर तक महके में नहीं रहती, समझ गए? लेकर आओ उसको वापस। अम्मा बस हबीब, मैं और कोई बात नहीं सुनूंगी तुम्हारी। तुम्हारी इस बीवी पर मेरी नज़र रहेगी, सही वक्त में बुला लूँगी दस्तखान पर, लेकिन उस वक्त तक इस दस्तखान पर हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाएगी, समझ गए ना तुम दोनों? और तो और अम्मी यानी अब भी चुप चुप कर हमजा से मिलती है। मैं तो पहले ही कहती थी कि स्कूल जाना पढ़ाई करना सब तमाशे, झूठ बोलती है ये। पढ़ाई के पीछे कोई इतना पागल थोड़ी होता है, कोई ना कोई चक्कर है उसका। अम्मी यानी सबको बेवकूफ बना रही है, धूल चौक रही है सबकी आंखों में, नान की इज्जत को मट्टी में मिला दिया है। ठीक कह रही हो तुम, कैसे भोली बन के घूमती रहती है, इसीलिए ऐसे रहती है कि किसी को शक ना हो उस पे, कैसे कैसे चक्कर चला रही है वो। अम्मी ये बात तो मुझे मेरी दोस्त से पता चली है, जरा सोचें अगर खानदान में किसी को ये बात पता चल गई या किसी ने आनी और रमजा को साथ में देख लिया तो सोचे हमारी कितनी बदनामी होगी। तुमने तो ये बात करके मुझे और परेशान कर दिया। वैसे ही सारे खानदान वाले हमारे पीछे लगे रहते हैं कि कोई ना कोई बात पता चल जाए उनको हमारे बारे में, और अब तो इतनी बड़ी बात है, अगर उनको पता चल गई तो तमाशा लग जाएगा हमारा खानदान में। ये लड़की ना हमारी बेइज्जती करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अम्मी मैं तो कहती हूँ आप नानी के घर जाके एनी और हमजा का भांडा फोड़ो। सही कह रही हो तुम।